अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़। यूपी के संभल जनपद के पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने 22 बने, 2 अर्ध बने, 3 जिंदा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है व एक आरोपी मौके से फरार है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया मामले का खुलासा। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए बताया कि गुन्नौर पुलिस ने बंद पड़े ईंट भट्टे में अवैध शस्त्र बनाते हुए हरीश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 22 बने, 2 अर्ध बने, 3 जिंदा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा। एसपी ने बताया कि ये लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे और लोगों की ऑन डिमांड पर अवैध शस्त्रों को बेचने का काम करते थे। राइफल को 15,000, बंदूक को 12,000 रुपए में, 315 बोर के तमंचे 6,000 रुपए में व 312 बोर के 45 रुपए में बेचते थे। पल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज एक शस्त्र फैक्ट्री बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें एक अपराधी जो हरीश है, इसे गिरफ्तार किया गया है। इसकी निशानदेही पे 22 बने और 2 अर्धबने, कुल 24 तमंचे, राइफल और पौनिया ये बरामद किए गए हैं और शस्त्र बनाने का पूरा सामान बरामद किया गया है। यह व्यक्ति अपने ममेरी बहन जो इसकी कस्बा बबराला में रहती थी, वहाँ पे आता जाता रहता था और वहाँ से रह करके ही ऑन डिमांड ये असलहे बनाता था और लोगों को सप्लाई करता था। गुन्नौर बदायूं रोड पर एक बंद पड़े भट्ठे में वहाँ बनाता था और लोगों को बेचता था। राइफल 15,000 रुपये में और बंदूक 12,000 रुपये में, रिवाल्वर 8,000 रुपये में, 315 बोर का तमंचा 6,000 रुपये में, 12 बोर का 4,500 रुपये में बेचता था। जब भी आवश्यकता जिसकी होती थी, वो इससे कॉन्टैक्ट करते थे और वो इसे अवैध असलाह बनवा करके किसी लूट, छिनैती या अन्य दबंगई में इस्तेमाल करते थे। अब इसके पकड़े जाने से ऐसे अपराधी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और इसके और साथी जो हैं उनकी भी तलाश जारी है। जो ऐसे अन्य लोग गतिविधियों में शामिल हैं उनके खिलाफ़ भी लगातार अभियान जारी है।